हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और भाई जैसा कि अपन सुबह पहुंचे थे मंडी में, सुबह 2:45 के लगभग, और सुबह 7-8 के बाद में गाड़ी लगाई थी अपन ने इधर, तो अभी खाली करेंगे थोड़ी देर में। तो भाई जो भी भाई नए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड तक पूरे ब्लॉग में बने रहना। जो भाई ने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देखना, लेकिन एंड में देखना। तो अभी चाय वगैरह पीते हैं, अभी जस्ट गाड़ी लगाई है, चाय वगैरह पीते हैं। और कृपाल अपन ने खोल दी, तो भाई बने रहना एंड में। यहाँ से खाली करके जाएंगे नवसारी, वहाँ पे 201 पेटी है, वहाँ 201 पेटी खाली करके फिर भरने का लोड देखेंगे क्या होता है कंफर्म। तो जैसा कि भाई लेट हुए नहीं थे, अपनी मंडी टाइम से हो गई थी। और भाई कोई भाई बोल रहा था इनाम कितनी है, भाई 1100 रुपये इनाम है, ज़्यादा नहीं लगती है इनमें, क्योंकि टाइम रहता है काफ़ी। अगर लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन टाइम से लग जाए तो खर्चा वर्चा निकल जाता है अपना। 1100-1200 रुपये इनाम होती है, कई बार 2000 भी देते हैं, लेकिन ज़्यादा इनाम होती नहीं है सेव पे। तो भाई अभी जाते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, फिर करवाते हैं खाली। सो गाइस, ये लगा दी अपने गाड़ी। और भाई ये है सूरत मंडी, ये बजरंगबली की गाड़ी खाली हुई है यहाँ पे। तिरपाल वगैरह खोल दिए कंप्लीट, और पीछे से भाई लोगों ने अभी तो स्टार्ट नहीं किया है। ये पेटियाँ हैं भाई, 201 पेटियाँ आगे की है, ये खाली करके फिर यहाँ से निकलेंगे। पीछे से भाई भाई यहाँ सुबह गाड़ी लगती नहीं है जल्दी में, क्योंकि छोटी सी गली है। तो अब करेंगे भाई, लोग खाली जगह बना रहे हैं, पहले का माल इनका आज भी कहे, अब हो जाएगी थोड़ी देर में यहाँ पे खाली, फिर यहाँ से खाली करके निकलेंगे। सो गाइस, अपनी गाड़ी हो गई आधी खाली, ये देखो अभी यहाँ की लगभग 100-150 पेटी और बची है, हो जाएगी यहाँ पे खाली। और भाई मंडी में 10 के बाद बिल्कुल सूनी हो जाती है, कोई भी नहीं रहता, सुबह सुबह का काम है मंडी का। और भाई ये वाली फड़बे का हो रही है खाली गाड़ी, इनकी दो दुकानें हैं, एक उस साइड में की है, एक इधर कर रहे हैं। तो भाई लगभग बातें ज़्यादा कर रहे हैं, काम कम कर रहे हैं। तो भाई सूरत खाली करके निकल गए नवसारी के लिए, और ये है भाई सूरत सिटी। ये अपन चल रहे हैं अभी सूरत सिटी में, काफ़ी अच्छी खूबसूरत सिटी है भाई। मंडी है यहाँ पे नो एंट्री में, लेकिन नो एंट्री खुलती है दिन में। तो अभी निकल रहे हैं SMC, थैंक्स यू फॉर विजिट टू सूरत। थैंक यू सूरत, गुजराती भाई। साथ ही चला रहे हैं गाड़ी, तीन लाइनें बनी हुई हैं भाई, वो स्पेशली बस एम्बुलेंस वगैरह के लिए, वो लाइन जहाँ से वो ऑटो वगैरह जा रहे। तो अभी जाते हैं नवसारी, वहाँ पे करते हैं अनलोड। तो भाई पहुँच गए नवसारी मंडी,
और ये होने लगी पेटियां खाली। ये भाई ज़्यादा लंबी चौड़ी मंडी है नहीं, छोटी मंडी है। और ये इतना माल बचा है अपना, ये सामने अपार्टमेंट है, ज़्यादा लंबी बड़ी मंडी नहीं है, छोटी मंडी है। ये हो गया माल अपना, तो भाई अब खाली करके जाएंगे बाहर होटल पे, वहाँ से देखते हैं कोई माल होता है कि नहीं। सो भाई हो गया कंप्लीट माल अनलोड, और भाई लेकिन एक पंगा हो गया आज, अपनी गाड़ी ये खाली होके कंप्लीट खड़ी हुई है। कंप्लीट गाड़ी खाली हो गई अपनी, तो भाई आज एक पेटी कम हो गई गाड़ी में, बहुत टेंशन हो रहा है आज। अब देखते हैं कितना क्या पैसा कटने वाला है। अभी भाई 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 कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर से, वो पूरी जवाबदारी मेरी है, लेकिन मैं आप मेरा यकीन क्या करते हैं देखते हैं भाई कितना क्या होता है। सो गाइस गाड़ी तो हो गई भाई कंप्लीट खाली, लेकिन एक पेटी कम हो गई यार इस बार। तो भाई जो भी भाई गाड़ी लोड करे हिमाचल से, अपनी जिम्मेदारी से पेटियां गिनो यार, बरसात हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि लेबर लोग का भरोसा नहीं है यार। इस बार हमें बहुत लॉस हो गया एक पेटी का, आप यहाँ पे डबल रेट काट रहे हैं, मतलब आती 1500 की है 3000 रुपये भरने पड़ रहे हैं। तभी भाई गया है, देखते हैं कितना क्या करता है। लेकिन अगर वहाँ से माल भरना हो ना, कोई भी माल भरना हो तो गिनती करके खुद स्वयं गिनती करो, उसके बाद ही भरो। पिछले चक्कर हमने गिनती की थी और जो हमसे लोड हुई थी पराड़ा मंडी से, वहाँ पे लेबर भी ठीक थी, लेकिन इस बार ना यार उन बंदों ने गलत कर दिया यार, एक पेटी का नुकसान करा दिया। तो भाई अभी निकलते हैं यहाँ से, भाई गया है पेटी का डिस्क्रिप्शन करने, क्या करता है क्या नहीं करता है शेख। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, मूड ख़राब हो गया आज तो भाई। सो गाइज अभी आ गए हम भरूच, और भाई गाड़ी हो गई थी खाली कंप्लीट, तो अभी हम जा रहे हैं भरने। सुबह में होगी लोड गाड़ी, केला ही लोड होगा दिल्ली का। तो भाई ये आ गया भरूच ब्रिज, ये भाई ब्रिज बना था तकरीबन 16-17 में, बन के तैयार हुआ था 5-6 साल में, कितना शानदार बनाया था। नीचे है भाई नदी, इसके नीचे है नदी, क्या नाम है नर्म, इन नदी को क्या नाम चक्रो, नर्मदा नदी है नीचे, और भाई पानी है जबरदस्त नदी में। अभी तो 2 दिन से नहीं रहा, 2 दिन से बरसात खड़ी हो रही है, तो बाहर से डैम को पानी, डैम में भी तो आओ गुजरना ही, तो छोड़ेगा डैम से हाँ तो कम होगा अभी नहीं यार, है तो सही भाई। जबरदस्त है भाई, पानी ऊपर तक आ रहा है, भी दिखेगा नहीं। बड़ोदरा 66 बड़ोदरा 66 बड़ोदरा जाके रुकेंगे।
वहाँ से फिर सुबह 6 बजे बोला है पार्टी वाले ने, 6 बजे निकलेंगे। और भाई एक पेटी कम हुई है उसका हमारा लगा 800 रुपये, पार्टी वाला सही आदमी था तो उसने आधा खुद भरा और आधा हमारे से, और ज़्यादा मतलब सस्ते वाला सेव था, मतलब हाई ब्रीड वाला नहीं था, अच्छा वाला 6 लेयर वाला ब्रीड नहीं था वो, तो इसके लिए कम लगा, नहीं तो 2000 के समथिंग एक पेटी का लगता। तो भाई कभी भी गाड़ी लोड करो गिन के करो, आज हमारे साथ में हुआ है तो बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि यार बड़ी मेहनत करके लेके आते हैं और ऐसे कुछ हो जाती है घटना तो दिक्कत होती है। ये भाई भरूच सिटी, साथ में देखा करो यार, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।